राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कलावर्ग की कक्षा 12वीं में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रकाश फुलवारिया के अभिनंदन और सम्मान समारोह का दौर जारी है। बुधवार को धुरीमन्ना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। धुरीमन्ना से खेताराम पुनर की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला वर्ग कक्षा 12वीं में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रकाश फुलवारिया का अभिनंदन एवं सम्मान समारोह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित किया गया। स्वयंसेवकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन प्रकाश फुलवारिया के निजावास ग्राम लोहारवा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक ऋषभ दास बोथरा ने अपने संबोधन में कहा कि सामान्य परिवार से प्रकाश के पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और इनकी माता गृहिणी हैं। अभी तक प्रकाश के पास मोबाइल फोन नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं से अलग रहकर परिवार के साथ कामकाज में हाथ बटाकर यह कीर्तिमान उसने एक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत तक स्थापित किया है। सामान्यतर गाँव में लाइट है, पर कब कट जाए कब वापस आ जाए इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है, जबकि इसके उल्टा शहर में समस्त प्रकार की सुविधाएं व पढ़ाई संबंधित मटेरियल मिल जाता है। प्रकाश ने न केवल विद्यालय के कक्षा कक्ष की पढ़ाई एवं स्वाध्याय पर भी अपना पूरा ध्यान लगाया है। जग सुधर जाएगा, मेरा हौसला बढ़ाया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपने जो मेरे से उम्मीदें रखी है उस पर करा उतर। अपने यहाँ गांव की नहीं, पूरे जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान और देश में नाम रोशन करने वाले एक सामान्य परिवार। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड धुरीमन्ना एवं गुड़ामालानी के स्वयंसेवकों द्वारा मेरिट होल्डर प्रकाश को मालाएं पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर धुरीमन्ना खंड के संचालक तेज सिंह, बाड़मेर विभाग के विभाग शारीरिक प्रमुख धनाराम भाद्रु, विभाग प्रचार प्रमुख भागीरथ गोसाई, धुरीमन्ना खंड के सहखंड कारवाग भंवरलाल गोदारा सहित अन्य स्वयंसेवक व गाँव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।